हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। हमने एक ठीक ठाक सैंपल निकाला, लगभग 100+ स्टूडेंट से हमने बात की डिटेल में कि उनका एग्जाम कैसे हुआ। उसके बाद एक बेहतरीन डेटा निकाला गया कि कैसे क्या हो सकता है और एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है कि आप मेन्स की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि 2025 का आपका एग्जाम जानते ही हैं, मुश्किल से 10 महीने बचे हैं आपके प्रीलिम्स में। तो आप सबके लिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए हमने बुकलेट लाया है, जिसमें आपके चारों जीएस पेपर, आपका एसए वाला पेपर, उसके साथ साथ आंसर राइटिंग, खासकर क्योंकि आंसर राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका रहता है उसका सॉल्यूशन कैसे हमें उसमें बेहतरीन तरीके से लिखना चाहिए, इंट्रो में क्या होना चाहिए, मेन बॉडी, कंक्लूजन, सब कुछ बहुत स्टैंडर्डाइज तरीके से, और विथ एग्जाम्पल की एग्जाम्पल्स को कैसे पुट आउट करना है, जो आजकल यूपीएससी की डिमांड है उसको कैसे फुलफिल करना है। और वही सब चीजें अगर आप देखेंगे हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में है, और सेम चीजें यहाँ पर भी हम दे रहे हैं। पूरी यूनिट जितना यूपीएससी का सिलेबस है, चाहे जीएस पेपर 1 की 12 यूनिट की बात हो, 2 और 3 के 20-20 यूनिट, और जो जीएस पेपर 4 है जिसमें 8 यूनिट है, उन सब का पूरा सिलेबस कम्प्लीट है। और यहाँ पे चीजें हमने कैसे किया है कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है तो इस टॉपिक की डिटेलिंग भी है, साथ में उसके साथ साथ जो फ्लो चार्ट आप कैसे बना सकते हो वो भी हमने कराया है, उसके साथ साथ जो एग्जांपल्स आप लिखते हैं वो भी, यानी कि कह सकते हैं कि गागर में सागर है और इतना ही आपको याद करना है, उसको आपको अप्लाई करना सीखना है। तो ये बुकलेट बहुत अच्छी है, कुल मिला के 16 बुकलेट है मेन्स के लिए। तो आपको क्या करना है, बस इसको बुक करने के लिए दिए गए इन व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें क्या कीजिए, बस एक मैसेज कीजिए और इसका सैंपल मांगिए, हम आपको सैंपल देंगे। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको ऑर्डर कीजिए, ठीक है। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है इसकी और कंटेंट विश्वास कीजिए बहुत बहुत रिच है, ठीक है। जब आप देखेंगे ना आपको खुद लगेगा काश ये मेरे पास पहले क्यों नहीं था। चलिए उसके आगे बात करते हैं। ये कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि 26 जुलाई से शुरू हो रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, मुख्य परीक्षा में महारत हासिल करने की कोशिश रहेगी, यानी कि पूरी तरह से आंसर राइटिंग के एक एक चीज, एक एक बारीकियों पे चर्चा करेंगे। कुल मिला के आप देख रहे होंगे सुबह 5:30 से 9:30 तक सिर्फ इसी पे बात होने वाली है, और डेली आपसे लगभग 10-15 क्वेश्चन आपसे डेली लिखाए जाएंगे, जिससे आप क्या करेंगे, आपके अंदर जो भी कमियां हैं, छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं, वो सब कुछ। सबसे प्रॉब्लम क्या आती है कि याद नहीं होता कंटेंट, क्यों, क्योंकि हम बार बार ना उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करते। तो यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को डिवाइड किया जाएगा और उसमें करेंगे। इसमें सबसे खास बात यह है कि हम आपको ना करंट अफेयर से रिलेटेड वो सब कुछ देंगे, उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमें सेट आउट करने होते हैं, चाहे कोई स्कीम हुई, चाहे सेकेंड ईआरसी की रिपोर्ट है, या कोई नीति आयोग का एजेंडा है, या गवर्नमेंट का कोई एजेंडा है, उसके साथ नेशनल इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, कैसे यूज करना है उन सब का, वो सब कुछ हम देंगे आपको। बस आके आपको उसका हमारे साथ ना पुट आउट करके सीखना है, क्योंकि जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला, और खुद से आप कर ही रहे हैं तो हो नहीं पा रहा है। तो आइए बिल्कुल जुड़िए, कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत जबरदस्त सेशन है और पूरे 1 साल के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन कराया तो नहीं है, 1 साल के लिए, यानी कि अगले 2025 में पूरा हम साथ देंगे। इसका मतलब यही है, वो पागलपन जो आपको चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ वो बच्चे जिनका कोई कंप्लीट नहीं है, प्रीलिम्स नहीं हुआ सही से, मेंस भी सही से कंप्लीट नहीं है, तो उनके लिए एकलव्य बैच है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसमें पूरा आपका मेंस कंप्लीट करेंगे, चारों जीएस पेपर, हिंदी इंग्लिश का ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसका एक वीडियो मैंने डिटेल में बनाया है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसका पूरा वीडियो आप जाके देखिए, वहां पे पूरी तरह से मैंने बताया है क्या क्या चीजें आपको डिटेल में मिलने वाली हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बताना जरूरी था इसीलिए। तो चलिए आइए बात करते हैं किसको लेके, अपने कट ऑफ को लेके। तो जैसा मैंने आपको बताया 100+ एस्पिरेंट से बात हुई और उनसे हमने सैंपल लिया कि उनका क्या रवैया रहा, एग्जाम कैसा रहा। कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने तीसरी बार अटेम्प्ट दिया, चौथी बार अटेम्प्ट दिया, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी पिछले साल प्रीलिम्स निकाला था। तो उस आधार पे एक बेहतरीन चर्चा हुई, फिर जाके ये डिसाइड किया जा रहा है कि आप मेंस की तैयारी शुरू करें या ना करें। उससे पहले देख लेते हैं कि लास्ट ईयर क्या क्या कट ऑफ रही है ना, आइए देख लेते हैं, क्योंकि उससे ना एक आइडिया आपको लगेगा। पिछले 5 साल का अगर हम कट ऑफ की बात करें, और ये सभी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है,
2023 में अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में कितना गया? 75। 82 में कितना गया था? 2022 में कितना गया? 88 नंबर। 21 में कितना था? 87। 2020 में 92 और 2019 में 98। यानी कि 2019 में पेपर आसान था, धीरे धीरे पेपर टफ हुआ तो क्या हुआ है? सीधी सी बात है, कट ऑफ डाउन हुई है। चाहे आप जनरल कैटेगरी में देखेंगे, ओबीसी में, एसटी एससी में, या किसी भी में देखेंगे, सेम पैटर्न आपको नजर आएगा कि जब पेपर आसान था तब कट ऑफ आई गई, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो कट ऑफ थी वो क्या हुई है, टफ हुई है। और 2023 में सबसे ज्यादा टफ कट ऑफ गिरी है। उसके पीछे का रीजन यही है कि जो पेपर था वो बहुत अलग टाइप से आया था। ठीक है, तो इस आधार पे अगर हम देखें तो मामला सिर्फ किसका है, पेपर कितना टफ है और पेपर कितना आसान है, उसी के ऊपर कट ऑफ डिसाइड हो जाती है। अगर 2024 के प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें जो क्वेश्चन पेपर था उसमें मॉडरेट से लेके मैं कहूंगा टफ पेपर था, बहुत इजी भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि पेपर बहुत टेक्निकल था। अगर पेपर टेक्निकल है तो मेरा यही अंदाजा है कि जो कट ऑफ रहने वाली है वो यहाँ से लेके इस बीच में रहेगी, ना हम यहाँ जा पाएंगे और ना यहाँ जा पाएंगे, यानी कि 88 से लेके 92 के बीच में कहीं ना कहीं कट ऑफ बन सकती है। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर इसके बीच में आ रहा है तो आप 100% मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, आपको रुकना नहीं है। और जिनका इसके ऊपर है वो तो बहुत बढ़िया, लेकिन जिनका इनसे पीछे है तो वो अपने आप को इवेल्युएट करें कि कमी कहाँ रह गई थी और उन कमियों को दूर कीजिए। कहाँ से लेके? 88 से लेके 92। अगर इससे नीचे आ रहा है ना तो थोड़ा सा रुकिए और सोचिए कि कमी कहाँ रही, उसको दूर करना है, कि आपका मेंस रेडी है कि नहीं है। और वैसे भी अगर मेंस नहीं रेडी है तो आपको मेंस रेडी करना ही करना है। ठीक है, और अगर सही गाइडेंस नहीं मिल रही है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और कहाँ जुड़ेंगे? इस बैच में जुड़ सकते हैं या फिर आप इस बैच में जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप बुकलेट मंगाइए। विश्वास कीजिए बहुत जबरदस्त बुकलेट है, एक एक शब्द को लिखा गया है बहुत अच्छे से, बहुत माइन्यूटली तरीके से लिखा गया है, जिससे आपका जो मेंस का कवरेज है ना, जो आप परेशान रहते हैं कि कहाँ से मेंस का कंटेंट अच्छा मिले, वो हर एक चीज आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताऊं, जो कट ऑफ है वो जैसा मैंने आपको बताया कि 88 से लेके कितना जा सकता है, 92 के बीच में, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन और है कि 85 से 90 के बीच में। वही है, मतलब एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अब मैं आपको एक फोन नंबर दे रहा हूँ, 9 6, ठीक है, 9 6 7 2 2 8 3 1। ठीक है, आप इस पे हमें व्हाट्सएप कीजिए और अपना कोई भी प्रॉब्लम आपकी है, चाहे वो प्रीलिम्स से रिलेटेड है, मेंस से रिलेटेड है, या फिर आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, आपका इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंग्लिश में जैसे क्योंकि ये कंपलसरी पेपर होता है, उन सबको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये फोन नंबर है, हमें व्हाट्सएप कीजिए, बात कीजिए। और 30 तारीख को ध्यान रखिएगा, 30 जून को हम क्या कर रहे हैं, एक वेबिनार कर रहे हैं जो कि फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम है आप सभी के लिए। तो आप क्या करेंगे, उस मेंटोरशिप प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 30 जून को, तो उसके पहले आपको ज्वाइन करना है। नीचे आप जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप का एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, उस व्हाट्सएप ग्रुप को, है ना, जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दे रखा है, उस ग्रुप को क्या करना है, आपको ज्वाइन हो जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप है ना, कहाँ है, नीचे लिंक दे रखा है, लिंक नीचे दे रखा है, वहां जाके आप ज्वाइन हो जाइए। आपको वो जो मेंटरशिप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, वहीं से मैं आपको बताऊंगा कि आप 30 तारीख का ये वेबिनार कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन वेबिनार है, इसके अंदर आपको हर एक वो माइनर चीजें आपको समझ में आएगी कि एग्जैक्टली अभी तक आप क्या गलतियां कर रहे थे, किस वजह से हमारा ये जो यूपीएससी का एग्जाम है नहीं हो पाता, और कुछ लोग ऐसे क्यों हैं जो आते ही पहले या दूसरे अटेम्प्ट में हो जाते हैं। तो उन कमियों से लेके, आपके रिसोर्सेस से लेके, आपकी पर्सनालिटी से लेके, आपके बुकलेट से लेके, आपकी तैयारी से लेके, ऐसी कोई बात नहीं होगी जो हम नहीं बताएंगे, सब कुछ। ठीक है, तो 30 तारीख आपका सभी का स्वागत है, जरूर आइए। और कट ऑफ को लेके बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, एक नई एनर्जी से शुरुआत कीजिए। और इन सब जो कोर्सेज मैंने बताया, एक बढ़ के एक कोर्स है, बहुत ही स्टैंडर्डाइज तरीके से, बहुत ही हमने क्या किया है, हर एक चीज को बहुत स्टेप टू स्टेप चीजें बताई हैं। तो जैसा मैंने बोला, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, और इन सब का लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे दे रखा है, आप जाके वहां भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।